नमस्कार। डे 159 में कक्षा 12 में हमारे डिजीज आई डिजीज की बात कर रहे थे, आंख से संबंधित दोष और उनके निवारण दो, जिसमें हमने कर लिए निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। बातें हमने कर ली थी, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट भी दिखाई नहीं देती है, और उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, सॉरी निकट की तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। डे 157 और 58 में हमने इनको कर लिया, उनको देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। नेक्स्ट उसकी दो बातें हो जाएगी, जरा दृष्टि दोष और अति बिंदुकता, अबिंदुकता भी लिख देते उसको, प्रेस वायपी और एस्टिमेटेशन। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ऐसा दोष इस दोष नेत्र को न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, यानी इसमें दोनों ही बीमारियां रहती हैं, दोनों ही प्रॉब्लम रहती हैं। ऐसे नेत्र को ऐसी आंख को न तो निकट का तथा न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसी आंख जरा दृष्टि दोष से पीड़ित आंख कहलाती है। अब ये प्रॉब्लम की इनमें आती क्यों आती है, कारण क्या है? मुख्य इसका कारण है वो है आई ब्लू एज। एज बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम आती है, यानी वृद्ध लोगों में, बूढ़े लोगों में ये जो प्रॉब्लम है वो सामान्य होती है कि उनको निकट का भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, दूर का भी। कारण क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी तो पक्षमावी पेशियां, उनका लचीलापन भी कम होता जाता है और वो धीरे धीरे सख्त होती जाती है। लचीलापन कम होता है तो उनके जितनी सिकुड़ सकती थी, क्योंकि ये हमने पहले बात की थी कि लेंस जो होता है नेत्र का लेंस, वो वस्तुओं के दूरी के अनुसार हमारी आंख अपने आप उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, उसकी फोकल लेंथ कम और ज्यादा ओके व्यवस्थित हो जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जब पक्षमापी पेशियों में खिंचाव होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, जब वो ढीली पड़ती है तो फोकल लेंथ जो है कम हो जाती है। दोनों स्थितियां होती है, वो डिपेंड करता है कि हमारी आंख में कितनी रोशनी प्रवेश कर रही है, कहां से हम वस्तुओं को देख रहे हैं, उसी के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे वृद्ध लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि पक्षमाभि पेशियों के फैलने की और सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जितनी वो फैलनी चाहिए थी उस समय उतनी वो नहीं फैल पाती है तो स्पष्ट नहीं बढ़ता, जितनी सिकुड़नी चाहिए थी उतनी नहीं सिकुड़ पाती है तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बढ़ता, तो दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनते हैं। कारण क्या है? पक्षमाभि पेशियों का जो लचीलापन है, जो सॉफ्टनेस है, वो उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए बच्चे जब जन्म लेते हैं, बच्चे का जन्म होता है तब उसकी पलकें फटाफट झपकती है, बहुत तेजी से झपकती है, उनकी जो दर है टाइम के रेस्पेक्ट में वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है बूढ़े आदमी की आंखें में ठहरी हुई लगती है, सामान्य देखते हैं तो भी अपने को लग रहा है घूर रहे हैं, लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि जो पीछे पेशियां रहती हैं वो न तो उतनी सिकुड़ पाती है और न उतनी फैल पाती है, तो वो आंखें में बिल्कुल ऐसे ठहरी हुई दिखाई देती हैं, और इसी कारण से हर स्थिति में प्रतिबिंब उनमें स्पष्ट नहीं बनता है। जितनी उनकी क्षमता कम हुई है खिंचाव की और फैलने की, उतनी क्षमता के अनुसार उनको चश्मे प्रयोग में लेने पड़ते हैं। तो कारण क्या है? आयु बढ़ने के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, पक्षमाभि पेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने की क्षमता, जिसे क्या कहते हैं, लचीलापन कहते हैं, पक्षमाभि पेशियों का लचीलापन कम हो जाता है। इसलिए न तो निकट की स्पष्ट दिखती है और न ही दूर की स्पष्ट दिखती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, निवारण क्या किया जाता है, दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकसी लेंस, बायोफोकल लेंस कहते हैं इसे, द्विफोकसी। द्विफोकसी मतलब दो तरह के लेंस इसमें यूज किए जाते हैं, निकट की है तो निकट का चश्मा,
दूर किया तो दूर का चश्मा, बार बार चश्मा बदलने की बीमारी से भी बचने के लिए एक ही बनवा लेते हैं ऐसे। इसलिए सामान्यतः वृद्ध लोगों के जो चश्मे होते हैं उनके अंदर हमें इस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती है? यहां एक गोलाकार पार्ट दिखाई देता है, एक लाइन दिखाई देती है। वो लाइन क्या है कि इसके नीचे का जो पार्ट है वो है उत्तल लेंस, जो लाइन दिखाई दे रही है, और जो ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? आउटर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव लेंस है। तो दो एक में ही दोनों पार्ट जो है दोनों चश्मे लगा दिए जाते हैं। तो निवारण में क्या किया जाता है? द्विफोकसी लेंस कहते हैं इसको, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। वो अपनी स्वेच्छा पे कोई चाहे तो दो चश्मे बनवा ले। जब अखबार पढ़ रहे हैं सुबह तो नजदीक के लिए चाहिए 25 सेंटीमीटर के लिए, तो हम क्या करते हैं? तब उस नजदीक वाला चश्मा लगा लेते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं है। या जब हम बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तब हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखनी चाहिए, उसके लिए फिर वो नजदीक वाला, तब हमें पढ़ने लिखने का काम नहीं करना है, तब उसको घर पे छोड़ दो और दूसरा लगा लो और फिर चले दो। या ऐसा कर लो, तो ऐसा चश्मा जो लगाते हैं वो क्या करते हैं, उनको आदत होती है, वो चश्मे को नाक पे रखते हैं, यहाँ रखते हैं चश्मे को, ऐसे देखते हैं ऐसे, फिर किसी बात करेंगे तो आंखें ऊपर से ऐसे देखेंगे। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ही चश्मे में दोनों डाल रखी है। अब सामने ऐसे देखेंगे, अगर इसका यूज हो रहा है वहां, तो ये तो जो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा, इसलिए नीचे वाला पार्ट तो नीचे रहना चाहिए इसको, इसलिए यहाँ रखते हैं वो यहाँ। तो लिखने वाला काम होता है तो यहां से देखते हैं, और बात करनी हो तो यहां से देखते हैं, आंख वो ऊपर चढ़ा देते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिस में बाबू बैठे रहते हैं, वो थोड़ा उनके पास ऐसे दोनों चीजें रहती हैं, कोई आ गया तो ऐसे देखेंगे और वरना ऐसे नीचे लगे रहेंगे, ठीक है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम जो है वो सभी के अंदर, सभी में आती है, अपने भी आएगी, मैं तो पहले आ गई। सभी में उम्र बढ़ने के साथ साथ पक्ष मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने की क्षमता बढ़ती है, और उस कारण ये प्रॉब्लम आती है, न तो निकट का और न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, एस्टिमेटिज्म, अतिबिंदुकता। ये क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को, इस आंख वाले, इस दोष वाले व्यक्ति को, इस दोष युक्त नेत्र को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे दोष युक्त नेत्र में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। खासकर ये कह सकते हैं कि अगर कहीं इस तरह की स्थितियां हैं, आड़ी और सीधी जो लाइनें हैं, तो उनको समझने में दिक्कत आती है। इसका कारण क्या है? इस प्रॉब्लम का जो कारण है वो है, ऐसे लोगों का जो नेत्र है वो पूर्णतः गोलाकार नहीं होता है। ये इस तरह की जब स्थितियां आती हैं तो उनका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट प्राप्त नहीं होता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब एक साथ स्पष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे कारण क्या है? गोलाकार नहीं होते हैं, अंडाकार कह सकते हैं, अंडाकार होता है ऐसे। तो इसमें क्या होती है? दो त्रिज्या, दो फोकस दूरी हो जाती है। जैसे ऐसे है मान लो, तो अगर पूरी तरह से गोलाकार है तब तो किधर से भी ले लो त्रिज्या वही आएगी, फोकस दूरी सेम रहेगी, फोकस दूरी सेम रहेगी तो प्रतिबिंब सेम बनेगा, सही जगह एक ही जगह पे बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है? ये वाली त्रिज्या तो अलग होती है और ये वाली त्रिज्या जैसे ग्रहों की गति में होती है वो स्थितियां होती है। अब इसके अनुसार फोकस दूरी अलग है, इसके अनुसार फोकस दूरी अलग है, इसके अनुसार अलग दूरी में प्रतिबिंब, इसके अनुसार अलग दूरी में प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है।
ऐसे में क्या कारण क्या है, गोलाकार नहीं होता है नेत्र, उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में ऐसी स्थिति में समाधान करने के लिए बेलनाकार लेंसों का कटिंग करके बनाए जाते हैं, बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस होगा। तो ऐसे में क्या किए जाते हैं कि जो लेंस है उनको किसी एंगल पे शिफ्ट किया जाता है, जितनी प्रॉब्लम आ रही है जितने डिग्री की प्रॉब्लम आ रही है तो उतने डिग्री पे चश्मे का जो कटिंग है वो उतने डिग्री पर सिलेंड्रिकली की जाती है। अगर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री है, कितना प्रॉब्लम है उसके अनुसार ही इसको दिखाई, जो लेंस बनाए जाते हैं उसी के अनुसार कटिंग करके बनाए जाते हैं। तो ये सारे डिजीज हो गए, ये चार तरह की डिजीज है, ज्यादा कोई विशेष बातें नहीं है लेकिन जनरल साइंस की नजर से महत्वपूर्ण भी है, ये कहीं ना कहीं हमें काम आती रहती है हर जगह ये चीजें। तो इनमें आपको थोड़ा सा दोष के बारे में बताओ, उनमें रीजन थोड़ा सा बताओ और उनके उनके निवारण क्या है, उनके सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं वो हमें इसकी जानकारी हो तो इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो हम इजी वे में कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास से फिर बोर्ड परीक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे हम, सूक्ष्म दर्शी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनको पढ़ लें, रिवाइज कर लें।